Hey guys, I'm Nina and welcome back to my channel. Guys, आपने ग्लास स्किन ये वर्ड सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर आपने देखा या सुना जरूर होगा. बट एक्चुअल में ग्लास स्किन क्या है? ग्लास जो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से चमके वही ग्लास है. तो जी, आपकी त्वचा को एकदम सुपर शाइनी और ब्रिलियंट तरीके से चमकाने वाला आज एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको 2-in-1 बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब ये कि आप इसको जब यूज करेंगे तो आपकी स्किन में एक फेस पैक का भी काम हो जाएगा और आपके स्किन में एज अ स्क्रब भी ये काम करेगा. तो ये अमेजिंग ग्लो देने वाला पैक, नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को क्लींस करने वाला स्क्रब कैसे बनता है, सारी चीजें आपको बताऊंगी. तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कंप्लीटली डिपेंड फॉर यू, यू यूज्ड एज अ पैक और एज अ स्क्रब. सो लेट्स कम एंड मिक्स द यूजफुल कॉलेजन बूस्टिंग पाउडर. तो आइए देखते हैं हम इस पाउडर को कैसे बनाते हैं. इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है ड्राई पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज. स्किन के रूखेपन और डलनेस को दूर करने के लिए पंपकिन सीड बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं और स्किन में ग्लो को भी इम्प्रूव करते हैं. तो यहाँ पर कैसे इसका यूज किया जाएगा ये भी आपको बताऊंगी. द सेकेंड इज ऑलमंड. ऑलमंड फुलफिल होता है विटामिन ई और ओमेगा 6 से, जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है. दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना लीजिए. जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ही आपको पाउडर लेना है. मैंने एक बाउल के अंदर 2 चम्मच ये ऑलमंड प्लस पंपकिन सीड पाउडर लिया है. अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर. ऑरेंज पील पाउडर भी आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करता है और आपकी स्किन को बहुत ही नेचुरल तरीके से निखारने का काम करता है. उसके बाद ऐड करें आप इसके अंदर 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी बेसन. ये भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे फेस की ग्लो को इम्प्रूव करने के लिए. एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ इन सभी को आपने मिक्स करके रखना होगा. तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कस्तूरी हल्दी. मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर लिया है. अब ये सारी चीज़ें 4 इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं. इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और मिक्स कर लेने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा ऑलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल. मैं बादाम रोगन शिरीन यूज कर रही हूँ. और हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन भी काफी ज्यादा रफ रफ रहती है और स्किन में ग्लो भी नहीं है तो आप इसको जरूर ऐड करें. 1/2 चम्मच मैंने ऑलमंड ऑयल ऐड किया एंड देन आप इन सभी चीजों को फिर से मिक्स कर लेंगे. मिक्स कर लेने के बाद दोस्तों एक साफ क्लीन कंटेनर लीजिए जिसके अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. और हाँ, कंटेनर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पाउडर खराब हो सकता है. तो यदि आपको एज अ स्क्रब इसको यूज करना हो तो आपको बस नॉर्मली अपने फेस को गीला करके इस पाउडर को हाथ में लेकर अच्छे से क्लींस कर लेना है. इससे आपका अच्छा सा क्लींजर भी हो जाएगा और अच्छे से स्क्रब भी हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेंगे. आपको पैक वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा और स्किन साफ भी हो जाएगी. इसके लिए करना ये है, 1 से 2 चम्मच एक बॉल के अंदर इस पाउडर को निकाल लीजिए और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच हैंग कर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. दही के अलावा दोस्तों आप इसमें कच्चा दूध या फिर रोज वाटर भी मिक्स कर सकते हैं. लेकिन दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन को डीपली हमारे पोर्स की डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को निकालने में काफी मदद करता है. सभी चीजों को मिक्स कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह का पैक आपका तैयार हो जाएगा. ये एक नेचुरल उपटन की तरह भी काम करेगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लास ग्लो बनाने में हेल्प करेगा. मैं आपको बताती हूँ इसको यूज करने का तरीका क्या होगा. जब भी आप इसको यूज करेंगे चेहरे को साफ कर लेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट अपने फेस पर मसाज करनी है. मसाज कीजिए जिससे कि सारी टैनिंग, डर्ट, पोल्यूशन और टैनिंग जो आपके फेस पर हो रखी है वो भी सही हो जाएगी और काफ़ी सारी डर्ट और इम्प्यूरिटीज आपकी स्किन से निकल जाएगी. तो अच्छी तरह से इसको स्क्रब करेंगे जैसे आप नॉर्मली कोई भी स्क्रब या फिर फेस वॉश यूज़ करते हैं, उस तरीके से हम इसको अच्छे से मसाज देंगे. उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो इसको छोड़ सकते हैं अपने फेस में.
अदरवाइज आप अपने चेहरे को ताजे पानी से वॉश कर लें। सो गाइज, यदि मेरी आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।